तो आज हम बनाएंगे राइस फ्लावर रिंग मुरकू। ये टी टाइम स्नैक्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इसके साउंड से तो आपको समझ ही आ गया होगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन पे 2 ग्लास पानी ले लिया है और अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, 2 टेबल स्पून तिल और 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 2 ग्लास चावल का आटा डालेंगे, मतलब हमें चावल के आटे का और पानी का मेजरमेंट इक्वल रखना है। आप किसी में भी इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, बस दोनों का जो मेजरमेंट है वो बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि बिल्कुल पाउडर की तरह ये डो तैयार नहीं होगा, बट ये बहुत ही अच्छे से इसका डो तैयार हो जाएगा। हम इसे अभी ढक के 10 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और अब 10 मिनट्स हो चुके हैं, ये काफ़ी गर्म है, तो अब इसे ध्यान से इसका डो तैयार करें। और अब आप देख सकते हैं हमारा डो बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मैंने हाथ में ऑयल लगा लिया है और यहाँ पे 2 तरीके से मैं रिंग बनाना बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम इस तरीके से ये बॉल्स को तोड़ लेंगे जिससे हमारा जो रिंग्स है वो पूरा इक्वली बने। और अब हम इसे जैसे हम फरा को रोल करते हैं उस तरीके से रोल करेंगे और इसे रिंग का शेप देंगे। तो ये हमारा पहला तरीका हुआ जिससे हम ये रिंग्स को तैयार कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जिसके लिए मैंने ये मोल्ड ले लिया है, तो यहाँ पे मैंने ये एक होल वाला मोल्ड अलग से बनवाया था। तो हम इसमें अब डो डालेंगे और जैसे नॉर्मली हम मुरकू बनाते हैं उस तरीके से हम इसे बना लेंगे। तो अब हम इस मोल्ड की हेल्प से इसे रस्सी की तरह लंबा पहले निकाल लेंगे और इसे फिंगर की हेल्प से हम इसे रिंग का शेप देंगे। तो आपको ये दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस तरीके से हम सारे रिंग्स को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और अब हम इसमें रिंग्स को डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बबल्स कम हो गया है, उसके बाद ही हम इसमें एक बार चम्मच चलाएंगे। इसमें ज़्यादा और चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बबल्स जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब हमारा रिंग मुरकू जो है बिल्कुल तैयार है। और इसके साउंड से तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।